कि तीन कैमरा कैसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये जो है तीन कैमरा दोस्तों, ये कैमरा तो एक तो है मेरे फ़ोन के खुद का कैमरा, और दूसरा है इस लॉन्चर का कैमरा, और तीसरा मैंने डाउनलोड किया है। तो ये जो ये दो कैमरा है, ये दोनों तो एक जैसे ही हैं, ये जो पास पास आ गए हैं, अब इन दोनों को मैंने एक फोल्डर में रख दिया है। ये दोनों तो एक ही कैमरा है, एक ही वर्क करेंगे। इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ कि ये कितने मेगापिक्सल का है, और ये देख लीजिए, ये है 8 मेगापिक्सल का कैमरा, मैक्सिमम 8 मेगापिक्सल तक हो सकता है ये। और अब मैं ये आपको ये गूगल कैमरा खोल के दिखा देता हूँ, इससे हमारे कैमरा के मेगापिक्सल इंक्रीज़ हो जाएंगे, और फिर आप अपने पिक्चर क्वालिटी बेटर ले पाएंगे। और इस कैमरा की लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि इस ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। तो ये देखिए, मैंने इसको ओपन कर लिया, और ये अभी वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में है। तो देखिए ये कितनी अच्छी क्वालिटी की पिक्चर दे रहा है, और वो कैमरा कितनी डल क्वालिटी की पिक्चर दे रहा था। और अभी ये देखिए, हाथ मेरा हिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ये ऐसे लग रहा है कि मैं DSLR से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या कोई और कैमरा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इसकी सेटिंग्स मैं आपको दिखा देता हूँ, रेजोल्यूशन एंड क्वालिटी में चलते हैं। ये देखिए, वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है बैक कैमरा से 720p की, और फ्रंट कैमरा से भी 720p की, और फ्रंट कैमरा में 5 मेगापिक्सल का है, और यहाँ पर शो कर रहा है 4.9 मेगापिक्सल। ये फ्रंट कैमरा कम हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, रेयर कैमरा बढ़ जाना चाहिए। ये देखिए, 13 मेगापिक्सल का हो गया है रेयर कैमरा मैक्सिमम, और 9.4 मेगापिक्सल का मैंने कर रखा है ताकि फुल स्क्रीन आ जाए। और पिछले कैमरा में 6 मेगापिक्सल का किया हुआ था मैंने फुल स्क्रीन के ऊपर। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।